न्याय व्यवस्था वो सुरक्षित है, कहीं ना कहीं कुछ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले न्यायाधीश महोदय के विचारों वैसे ही देश कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, कहीं किसानों पर गोली, कहीं अताइयों के द्वारा गाड़ी, आसाम की स्थिति, मणिपुर की स्थिति, राजनीतिक रूप से सब मस्त हैं, लेकिन आम आदमी इस कंट्री का महंगाई की जो स्थिति है और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, रोजगार की जो स्थिति है, उसमें आप इतने समझ लीजिए कि किसी का इंटरेस्ट, किसी भी राजनीतिक पार्टियों का इंटरेस्ट, दल का इंटरेस्ट नहीं रहा। विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जनता को, चाहे वो तेल का मामला हो, सिलेंडर का मामला हो, अनाज का मामला हो, कोरोना से जुड़ी मामले हो, लगभग सब कुछ कोलैप्स है। पप्पू यादव ने कोई गुनाह किया या नहीं, वो सच सामने आ गया। हमारी गलती क्या थी कि मैं 5 महीना जेल में, एक बेल टूटा था और हम जनता के बीच थे, न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के बीच थे, संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लगातार हम मानवता के लिए काम कर रहे थे। मेरा पथ है, मैं उस राह का पथिक हूं जहां सेवा और संघर्ष मूल रूप से मानवता के रास्ते की ओर जाता है। मैं आज भी अपने सेवा और संघर्ष पर खड़ा हूं। कोरोना के 11 तारीख की व्यवस्था के बाद सरकार और इन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाए, इनकी गलतियों को उजागर नहीं कर पाए, बाढ़ में सब कुछ धरे के धरे रह गए, कंप्लीट व्यवस्था लूट में लगी हुई थी और कोई आवाज देने वाला नहीं था। कितने जगह सांप काटने से मर गए, भूख से मर गए, नौ नहीं पहुंचने से मर गए, नौ डूब गए, लेकिन सरकार मस्ती राजनीति कर रही थी। हम आज सिर्फ इतना कहेंगे कि मेरे जो दो मुद्दे हैं, एक मुद्दा है सीधा मानवता से जुड़ा सेवा का, और दूसरा इस देश के और बिहार के करोड़ों जनता के आर्थिक आजादी और उसके रोजगार से जुड़ा। आज जो घटना घटी है किसानों की, ये दुनिया की जालियांवाला बाग को भी हमें लगता है कि हम खत्म कर चुके। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जी, यदि आप संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो अविलंब होम मिनिस्टर को आप बर्खास्त करिए, उसके बेटे पर 302 का मुकदमा करिए, 20-20 लाख रुपया और कृषि कानून को अविलंब, कितनी कुर्बानियों के बाद 1,500 से ज्यादा कृषक किसान मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं या नहीं तो व्यवस्था के कारण मर चुके हैं, तो अब कितनी जाने आप लेंगे। और जिस तरीके से संविधान लोकतंत्र को आज, कभी प्रियंका जी की गिरफ्तारी रोकना, अखिलेश जी को रोकना, कभी चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र को रोक देना, कभी भीम आर्मी के चीफ को रोकना, मतलब दो दो सीएम को रोक दिया गया, क्या हम पुनः एक बार दुशासन के राज में प्रवेश कर चुके हैं? क्या हम हिटलर से भी बड़े क्रूरतम शासक के बीच में हैं?
क्या आम लोगों की आवाज बनना गुनाह है? बस पप्पू यादव एक आम लोगों की आवाज थी। रेमडेसिविर पहुंचाना, हर घर को सिलेंडर पहुंचाना, हर माँ पिता और बेटे के भाई के लाश को शमशान ले जाना, हर गलत लोगों के खिलाफ आवाज सरकार तक पहुंचाना। हम सरकार की जिम्मेदारी का काम कर रहे थे कि उनकी अब आवाज बने हुए थे, तो सरकार ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हम 5 महीने नर्क से झूले हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक टेंशन हुआ है, प्रताड़ित हमें किए गए हैं। हम सरकार पर अपने लॉयर से बात करेंगे कि क्या हमें डेफिनेशन सूट जो हमको 5 महीने जिस तरीके से जबरदस्ती सरकार ने हमें बंधक बना करके रखा और एक बड़ी साजिश के तहत इसमें ऊपर से नीचे साजिश करता है, हम बहुत जल्द उसका उजागर करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा संघर्ष और सेवा जारी रहेगा। आज बाढ़ की स्थिति है, हम निकलेंगे। बाढ़ हालात सीतामढ़ी और जगहों के अच्छे नहीं है, गंडक उफान पे है। हम कोशिश करेंगे सिंचाई मंत्री की अंतरात्मा को झकझोरने की, उनकी आंखों को खोलने की और जो हालात और परिस्थिति है उसमें सामने। जिस एम्बुलेंस के बाद यह मामला, तो आज वही एम्बुलेंस को ठेल करके फिर यहाँ तक लाया गया। देखिए, वो छोड़िए, उस पर मत जाइए, पूरी सरकार सुन पे अस्पताल। आप देख चुके हैं कि नीति आयोग ने क्या कहा है कि पूरे भारत के सबसे अंतिम पोदान पर बिहार है, एजुकेशन अंतिम पोदान पर है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये लगातार 30-40 सालों से लगातार बिहार की दुर्गति बना दी गई है। कभी चरवाहा, कभी कुछ, कभी कुछ, आज हालात ऐसे नहीं हुए। जो लोग यह कहते हैं कि हम किंग मेकर थे, दो दो प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, तो फिर बिहार की दुर्गति ऐसी क्यों? जब आप दो दो प्राइम मिनिस्टर बनाए तो बिहार का निर्माण कर लेते। आज दो व्यवस्थाओं के बीच में बात हो रही है, एक जाति जनगणना की बात होती है और दूसरा आरक्षण की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं हृदय से कि जब हर गांव में जाति के नाम पर टोला बना हुआ है, हर चौक पर जाति के नाम पर बोर्ड लगा दिए गए, तो आज जाति जनगणना से हम क्यों भागे? उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मजबूती के लिए जातीय जनगणना निश्चित रूप से यह आवश्यक है और विपक्ष को एक मजबूत वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि सर्वोच्च न्यायालय इस परिस्थिति को देखे। आज अदालत ने आपको क्या किया, बरी किया कि? भैया, अदालत जब कोई साक्षी नहीं था, ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, तो उन्होंने बाइज्जत बरी किया। बुरे परिस्थिति के साथ गए और हम लौटे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 5 महीना पल पल इस जो मेरा सेवा है और संघर्ष है वो जारी रहेगा। हर व्यक्ति तक ये जो जाति धर्म मजहब के खेल में, हिंदू मुसलमानों के खेल में देश और राज बटा हुआ है, नंगा नाच कर रहे हैं लोग और लगातार दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल है, बीजेपी से गठबंधन है कंप्लीट रूप से। नहीं तो आप सब कुछ देखते हैं कि किस तरीके से पूरी आजादी के साथ कुछ लोग जिन पर बहुत बड़े बड़े आरोप है वो बिल्कुल घूम रहे हैं। ईडी, सीडी, आईबी, सीबी सबका, बहुत सारे नेताओं पर, एमएलए, मंत्री पर, पूर्व मंत्री पर आरोप है। उसके बाद क्या परिस्थिति है वो मस्त है। इसका मतलब है कि बड़ी कृपा है केंद्र सरकार का कुछ लोगों पर, और केंद्र सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है और चित भी मेरी, फट भी मेरी। राजनीतिक गंदगी खेल इस देश में हो रही है, किसानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस देश के जातीय जनगणना पर चर्चा नहीं होगी, इस देश के रोजगार पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, जो हालात है उस पर चर्चा नहीं होगी, बस पॉलिटिकल एक्ट किया जाएगा उसमें किस जाति को निशाना, किस वर्ग को, किस धर्म और मजहब को निशाना बनाया जाएगा, बस यही मुद्दा है।
सत्ता और राजनीति के अलावे इस देश में दूसरी कोई गंध नहीं है।